यहाँ पे एक लॉ फॉलो होता है न्यूटन का लॉ, वो जो कल पतीला था वो गहरा था, पीछे पानी सारा नीचे हो गया, इसमें हवा में उड़ रहा है, इसमें पानी है। लोग बाल देख सकते हैं, आवाज मैंने खड़े कर लिए थोड़े से, और अभी बज रहे हैं 11:15 सुबह के। आज मौसम भी बहुत सही है, ठंडा ठंडा सा, और आज पंकज कह रहा है मेरे जनेऊ है जो लंबा हो रहा है थोड़ा, मतलब दिक्कत आ रही है पहनने में, तो उसके लिए जनेऊ चेंज होएगा उसका आज, ये देखिए जनेऊ चेंज करेगा, तो देखते हैं अभी नहाएगा फिर दिखाता हूँ आपको जनेऊ कैसे चेंज करते हैं और कैसे पहनते हैं। ये होता है जनेऊ, देख सकते हैं आप जनेऊ कैसे पहनते हैं कैसे चेंज करते हैं। ये पहन लिया उसने अपना पुराने वाला और नया उतार दिया, उल्टा हो गया सॉरी, उसने मतलब पुराना उतार दिया और नया पहन लिया। और पहनते कैसे ये, बाएं से दाएं हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ को, मतलब जो लेफ्ट है हमारा शोल्डर है लेफ्ट, और लेफ्ट से राइट को ऐसे। अब ये फ्रंट से बन रही है तो आपको उल्टा दिखेगा, तो लेफ्ट से राइट को ऐसे पहनते जनेऊ को। और ये हमारी बाल्टी है जिसमें हमने डाल दिया मटर कल बनाई हुई, देख सकते हैं आप करारे हो गए अच्छी, और ताजी ताजी में थोड़ी सी नरम सी लग रही थी, तो चाय मटर हमारा नाश्ता आज चल जाएंगे 2-3 दिन। तो गाइस अभी नहा धोके हो चुका है रेडी, और बाल मैंने थोड़े से देख सकते हैं आप कैसे कर लिए खड़े में, और ये आगे से एक्स्ट्रा बाल है जो ये मतलब दिक्कत दे देने पीछे को जाते हैं, तो ये मैं ऐसे ही कटवा लेता हूँ हर बार, पर इस बार लॉकडाउन के चक्कर में भी कटिंग कुटिंग बाल ऐसे ख़राब हो रहे हैं, तो ऐसे ही चल रहा है। अभी दिन के 1 बज रहे हैं और पानी दोबारा आ चुका है, ये देख सकते हैं आप, ये खाली बह रहा है तो मैंने वॉल बंद कर दी है, पानी भाई ज़्यादा वेस्ट होना नहीं चाहिए ना, वेस्टेज नहीं रखनी चाहिए, अपना बंद कर दो भाई ज़्यादा आने से, चल है तो कल है। आजकल बाहर आपको इंसान कम मिलेंगे देख सकते हैं, और जानवर पूरे मिलेंगे, बंदर दिख रहा होगा आपको भाई, ये बंदर बड़ा हैवी ड्राइवर निकला मेरे पीछे लग रहा था, अभी मैं थोड़ी सी वीडियो का बनाई, वो कह रहा था मेरी परमिशन क्यों नहीं ली, पीछे तो आ गया तो मेरे को एकदम कैमरा नीचे कर लेना, अबे क्या है, देख सकते हैं आप पेड़ पे मजे ले रहे हो, रे उधर 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 इधर बैठा कर रखे आराम से, नई डिश है पड़ोस से अंकल लाए थे, इसमें एक भी मसाला यूज़ नहीं किया है, और चटनी है एक तरह की, तो देख सकते हैं आप अलग ही खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है इसमें से, भी टेस्ट करेंगे इसको, यूनिक सा आइटम है देख सकते हैं, प्याज हो गया इसमें, टमाटर हो गया, और हरी मिर्च हो गई, जो भी है सब इसमें वो है फ्राई किया हुआ। आज भी हमारा तरबूज की पार्टी चल रही है, मैं खाऊंगा नहीं, मम्मी पापा और पंकज खा रहे हैं, और कल के तरबूज और आज के तरबूजों में फ़र्क आपको दिख रहा होगा कटिंग करने का, और कैसे उसमें पानी भर गया था इसमें नहीं भरा, तो मतलब ये देख सकते हैं मतलब कितने आलस करता है ढंग से कटिंग करने में इनमें, और यहाँ देख सकते हैं आप कितने बढ़िया से काटे हुए पीस, और तसल्ली से फुर्सत से काम किया हुआ, इसे कहते हैं। यहाँ पे एक लॉ फॉलो होता है न्यूटन का लॉ, वो जो कल पतीला था वो गहरा था, पीछे वो पानी सारा नीचे हो गया, और इसमें हवा में उड़ रहा है, इसमें पानी है बट नीचे नीचे है ना, कहाँ है दिखा दिखा, कैमरा झूठ बोल रहा है क्या, कहाँ है कहीं नहीं है, एक्सपोज कर दिया तेरे को अब सबके सामने, ठीक है ना। अभी जा रहे हैं ऊपर मिक्सी लेके, मिक्सी का ऐसे ही चलता रहता ऊपर नीचे, क्योंकि आज मम्मी कह रही है नया आइटम बनाऊंगी मैं, चावल का हलवा, तो आज दिखाएंगे आपको कैसे बनता है चावल का हलवा, चावल सुबह से भिगाने रख रखे, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये लीजिए आपकी अमानत, मम्मी ने कहा मत से मिक्सी का जज निकालो, तो मत मतलब होता है ऊपर ऊपर, यहाँ आपको मिक्सी में दिख रहा होगा, आपको मेरे को भी दिख गया, तो अब इसमें ग्राइंड करेंगे चावल, दिखा दो आपको बिगा रखे, जग बड़े वाला चाहिए था, मैंने छोटे वाला निकाल दिया था, चलो कोई बात नहीं है, बड़े वाला भी निकाल दिया, बाकी इसका ढकना मिल गया है, तो ये है चावल देख सकते हैं आप, बिगा रखे बढ़िया से, अब देखते हैं इसका हलवा कैसा बनता है। मैंने तो दाढ़ी काटी थी देख सकते हैं आप, यहाँ पे खरोच खरोच दिख रही होंगी आपको छोटी मोटी, ये लगी थी, और यहाँ हमारा भाई देखिए इनकी दाढ़ी क्या बगदादी जैसी हो रही है बिल्कुल, भाई कह रहा है दुकान खुलेगी जब भी कटवाऊंगा, क्योंकि मेरे भी ऐसे ही दाढ़ी बनाते टाइम कट जाता, कह रहे हैं 2-2.5 महीने पिछली बार लॉकडाउन में कटवाई, उस टाइम भाई बिल्कुल कहते ना आतंकवादी, ऐसा हाल हो रखा था, हम सही है चलो कम आ रही है अभी, ऐसे टाइम पे तो ना ही आए तो ठीक है, बेकार लगता लूगा आधा अधूरा। मम्मी से पूरा प्रोसेस पूछते हैं कि किस तरह बनता है, मम्मी ने बना रखा पहले भी, ट्रायल चल रहा मिक्सी का, बताइए कैसे बनेगा।
ये चाहो टिशूर का ले ओके, फिर ये भुनुल ओके, फिर मैं गुड़ा का शरबत बनुल ओके, पहाड़ी लोग तो समझ गए होंगे। अब मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। मम्मी कह रही थी कि जो ये ग्राइंडर में पहले इसको पीस देंगे चावलों को, इसके बाद इसको कढ़ाई में भून लेंगे, उसके बाद गुड़ है उसको जो उबाल के शरबत सा बनाते पानी डाल के वो बनाएंगे, उसके बाद जाके हलवा तैयार होता है मिक्स करके। जैसे सूजी का होता है उसी टाइप में होता है। तो चलिए देखते हैं, इंटरेस्टिंग सा लग रहा है मेरे को, पता लगेगा कैसा होता है। फर्स्ट टाइम ये चावल का देख सकते हैं आप, आटा सा बना दिया है बिल्कुल मिक्सी में पीस के, और बिल्कुल बारीक हो गया है। अब गीला है पर ये थोड़ा, अब इसका बनाएंगे हलवा। सो गाइस, ये है चावल का जो बनाया था हमने पीस के अभी, और इसको घी में भून रहे हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बाकी इसको कब तक भूनना है? यार बहुत देर भूनना पड़ता है। मतलब कलर कैसा, ब्राउन होना? ब्राउन ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे गुड़ वाला शरबत। पानी उबालने रख दिया, इसमें गुड़ डाल देंगे। ये लगभग हो चुका है ब्राउन, और कम से कम इसको 10 मिनट ऐसे ही लगे रहे तब जाके हुआ है। और यहाँ हमारा है गुड़ का शरबत तैयार। अब हलवा बनने वाला है कुछ ही देर में, इतने मैं अब आटा गूंदूंगा। ये देख सकते हैं आप आटा, अब मैं गूंदूंगा इसको। घरों पर कैसी है चावो प्रसाद है। अच्छा, तो आप डाल रहे हैं इसमें हम गुड़ का पानी यानी गुड़ का शरबत जो भी कहो, देखना भी कैसे। बढ़िया बनाना है, अब देखते हैं कितना बढ़िया बनता है। मेरे से करते हैं ट्राई, वैसे भून रखा पहले भी। चलिए करते हैं स्टार्ट। हमारी बहुरानी ने आटा गूंद के तैयार रख दिया है। तेरा किसी को भी आटा गूंदवाना हो तो इससे कांटेक्ट करे, बड़ा अच्छा आटा गूंदता है। आटा तो बढ़िया गूंदता हूँ, पर कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीख सकते हैं मेरे से, ट्रेनिंग मिल जाएगी आपको। ट्रेनिंग ट्रेनिंग कुछ नहीं है, गूंदना आ जाएगा। आप पैसे बताओ कितने दोगे? ये देख सकते हैं कितना बढ़िया आटा गूंदा, 500 रुपए में ये पूरी बारात का आटा गूंदता है। ना ना ना, 500 आजकल की बारात का, कोरोना काल की, मात्र 20 जनों के लिए। हाँ, कृपया संपर्क करें, प्रवासी पहाड़ी ब्लॉग चैनल है, आपका आटा भी गूंद दिया जाएगा ऐसे। तो गाइस ऐसे ही टाइम पास तो चलता रहता है, और ये मैंने आटा गूंद दिया है, देख सकते हैं आप, बहुत ही स्मूथ बिल्कुल। ये हमारे घर में 4 जनों के लिए है, बाकी इसमें से ही बचेगा ही, क्योंकि आज हलवा ही बना रखा है, आपने देखा होगा। तो हाँ, सोनू भाई भी है पर वो सिर्फ हलवा खाएगा, उसने भी खाना खा लिया था कह रहा जल्दी। तो चलिए बस आटा गूंद दिया है, मिलते हैं आपसे आगे। गाइस फाइनली ये हलवा है हमारा चावल का, अब पापा इसका रिव्यू देंगे, बाकी हमने गौ माता के लिए निकाल दिया है। फाइनली पापा अब देंगे रिव्यू, हलवा सबके डाल दिया है। बढ़िया बना है, झूठ तो नहीं बोल रहे, कहीं पीछे देख लिया हो, कहीं पता लगे कि पीछे से कुछ सुनने को मिले, घटिया बोल दिया तो। अच्छा बना है, चलो कैसा बना रे? सही है। तो चलिए अब हम भी खाते हैं, दिस इज हलवा, देखने में तो टेस्टी लग ही रहा है, खाने में और देखते हैं। अभी आ गए खाना खा के, रात का 9:30 बज गए, और बस यही था आज की वीडियो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, चलो।